जो है वो मेरी कार पार्क थी एंड उधर से जो है वो मैं देख रहा था एंड जल्दी से मैं नीचे। गाइज, ये व्लॉग शुरू करने से पहले मेरा आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर 500 सब्सक्राइबर्स की जो फैमिली है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी आप ये बाल देख रहे हो, मैं अभी शावर लेके निकला हूँ। लेट्स स्टार्ट द डे। वेलकम बैक टू चैनल एनीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट, फिट, फाइन एंड स्टेइंग सेफ आल्सो। तो मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी जो है वो 500 सब्सक्राइबर्स जो मेरे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने आपको जैसे भी बोला था कि मैं सब्सक्राइबर्स के जो है पीछे नहीं भाग रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ स्टोरी के पीछे। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, अगर नहीं अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है। और गाइस, जैसे कि मैंने सब्सक्राइबर्स की बात करी, ऐसा नहीं है आप लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, आप लोग ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। बट वो कहते ना कि यार जितने जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए भाई उतने अच्छा है, बट ये नहीं है, ये चीज़ नहीं होती। इट्स अ जर्नी विच यू हैव टू एन्जॉय। वो मैं बहुत टाइम पहले ही सीख गया था, मीन्स 3-4 वीडियो डालने के बाद ही सीख गया था, विच यू शुड ऑल्सो। अगर आप एक यूट्यूबर है एंड समझते हो, आपको ये बात जल्दी सीख जानी चाहिए। अभी जो है वो फटाफट जो है वो मैं रेडी हो चुका हूँ, नाश्ता करूँगा एंड देन आई लीव। तो मैं आपको जो है वो जल्दी जल्दी में एक चीज़ जो है मैंने नेपाल से ली थी, वो आपको मैं दिखाना भूल गया था, विच इज़ दिस। इट्स अ हैंडमेड बैग ऑल द वे फ्रॉम नेपाल, जो ये हिमाचल में जो है वो बिकता है। एंड लुक, जस्ट लुक एट दिस आर्ट वर्क, इट्स सो सो अमेजिंग। मैंने बिना सोचे बिना बार्गेन किए जो है वो ये चीज़ ले ली, बिकॉज जो आर्ट वर्क है, आप किसी की आर्ट को अप्रिशिएट करते हो एंड प्लस इट्स हैंडमेड। एंड ये जितना घिसेगा जितना पुराना होगा वो इतना जो है इसका कलर जो है वो ऊपर के आएगा। यू कैन सी राइट हियर, यू कैन एंड पीछे भी जो है आप इसको बांध सकते हो एंड आई जस्ट लव द कलर। और जो शेड्यूल है मेरा एकदम लाइन पे है वो आ चुका है, सो उसकी जो है वो टेंशन नहीं है। एंड अभी जो है अपन जो है अपने वो ओट्स एंड स्ट्रॉबेरीज एज यू कैन सी राइट हियर वो ख़त्म करेंगे, बिकॉज अभी जो है वो थोड़ा क्लीन खा रहा हूँ, बिकॉज आज का दिन जो है वो थोड़ा सा चीट होने वाला है। वो आपको आगे पता चलेगा कि वो चीट क्यों होगा। हर संडे जो है ये मेरे को मार पड़ती है, बट एनीवेज इट्स लाइफ होता है, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। तो अभी अमन जो है वो शॉप पे आया है, एज यू कैन सी राइट हियर। इसकी जो थोड़ा लाइट का जो तामझाम है वो कराने आया था शॉप पे। एंड मेरा जो मोबाइल होल्डर है वो एक्चुअली लग चुका है मेरी बाइक पे, जो कि सी। अमन को जो है वो उसके बर्थडे पे जो है वो खर्चा करा रहा हूँ, बट इसको ये जो खर्चा है वो ज़रूरी खर्चा है कि नहीं? हाँ, ज़रूरी खर्चा है ये। तो मैंने आज एक दिन में अमन का खर्चा भी करवाया है और उसके पैसे भी बचाए हैं ये कूपन दे के, इसलिए हम लोग इधर आए कि उसके पैसे बच जाए। एंड उसको जो लाइट डलवा दी है वो भी उसकी जो है वो करवा दी है, इसलिए राइट है अमन। हाँ भाई, मैंने भी भर दिया भाई साहब, मेरे बाद जो अभी हिमाचल प्रदेश की जो अपनी सीरीज है वो खाते खाते देख रहे थे, तो इतनी हम मस्त तो पहले हम लोग जो है वो ज़्यादा खाया नहीं है अभी इतना कुछ, पेट भर के, क्योंकि अभी जो है हम थोड़े बहुत चक्कर लगाने जो है वो जाएंगे, थोड़ा बाइक में प्लान है थोड़ा, क्योंकि अमन का जो बर्थडे है। एंड अमन याद रखना, मैं तेरे पैसे बचाए हैं, कूपन दे के तेरे पैसे बचाए हैं। तो जो सैटरडे था जो वो कि कल था, आज जो है वो संडे है। तो मेरे साथ एक जो है वो इंसिडेंट हो गया, वो अब वो इंसिडेंट वो था कि जैसे कि मैंने बोला मेरा जो शेड्यूल है वो ऑन पॉइंट हो चुका है। तो मैं अभी जो है वो सुबह का जो है मैंने जिम कर दिया है, बिकॉज रात को वो थोड़ा बहुत मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ जिम को, बिकॉज एंड मेरे साथ क्या हुआ, जो मेरी गाड़ी है वो सुबह पार्क की जिम के एग्जैक्ट सामने, एंड ऊपर से जो है वो कांच से मसल अप से जिम के वो नीचे जो है वो पार्किंग दिखती है एग्जैक्टली। तो ऐसे ही मैं टहलने आया, मेरी जो मेरा रेस्ट था, तो उसमें क्या हुआ कि मैंने लाइव देखा उसको कि एक बंदा आया एक्टिवा में और वो पूरा ड्रम करके जो है वो मेरी गाड़ी में घुस गया। यू कैन सी राइट हियर, इधर जो है आपको पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं ये जो पार्ट है एंड ये वाला जो पार्ट है वो पूरा घिस गया। यू कैन सी
राइट हियर, उसमें ऐसा होता है कि आपकी गलती नहीं होती है, फिर भी मेरी तो गाड़ी सिर्फ जो है वो नॉर्मली पार्क थी, सिर्फ पार्क गाड़ी में जो है वो ऐसा हो गया। एंड मैं जो है उसके पास जल्दी से भाग गया मेरी एक्सरसाइज छोड़ के। मैंने उसको बोला कि भाई तू रुक, मेरे को तू इसका एक्सप्लेनेशन दे। उसने बोला कि मैं पार्क करने गया, उन्होंने उसमें ठोक दी पूरी गाड़ी में। एंड द डैमेज इज रियली रियली लाइक मैसिव, एंड जो खर्चा है इसमें ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि वो जो पूरा है वो कट हो गया है, वो जो लाइक मेटल होता है इसकी गाड़ी का, एंड कलर भी जो है वो उखड़ गया है। मैं ज़्यादा तो उसका झगड़ा कर सकता था, बट मैंने जो है वो काम लिया, वो एक्चुअली वो रोने जैसा हो गया था। मैंने उसको बोला अभी तू जाने दे इधर से प्लीज़, अब मेरा मगज सट के उसके पहले तू निकल जा। फिर ये जो है सुबह सुबह जो है पूरा मूड की दे डली थी उसने बॉस। तो ये जो आटा है यू कैन सी राइट हियर, अमन खाएगा? अमन खा तो चल रहे हैं बस अभी, ये देखना अभी जैसे कैच करेगा, देखना देखो। ओके, तो अभी टाइम हो रहा है 7:15, एंड एज यू कैन सी इधर मैंने जो है मोबाइल होल्ड कर दिया है, क्योंकि इसमें जो GoPro में जो कभी कभी आवाज़ है वो नहीं आती है वो चेक करने के लिए। तो आज जो हमने मैं GoPro भी जो है वो फिट करवा लिया है, एंड ऐसे ही है अभी जो छोटा सा एक राउंड मारने जो है वो जाऊँगा। ओह बाप रे, इधर से निकालने में हो गया। तो आज संडे, तो मैंने सोचा बाहर निकालूँ गाड़ी को एंड थोड़ा सा जो है वो राउंड मान मारूँ, क्योंकि बिकॉज संडे को जो है वो थोड़ा बहुत मैं थोड़ा वो फ्री रहता हूँ एंड कुछ करने को रहता है नहीं। एंड अभी जो है अपनी विंटर सीज़न जो है वो अभी ख़त्म होने वाली है, अभी जो है जितना एंजॉय करना है ये वेदर को कर लेते हैं, बिकॉज फिर जो है वो गर्मियाँ जो है वो शुरू हो जाने वाली है। तो ज़्यादा तो जो हम हैं वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो वेदर है वो गर्म इतना हो जाएगा कि हम लोग जो है रात को भी इसलिए जो अभी जितना भी एंजॉय करने का है वो कर लेते हैं। अमन भी मेरे साथ आने वाला था, बट अमन को पता नहीं कुछ काम आ गया अर्जेंटली, कुछ रेलवे का काम, तो वो चला गया। तो मैंने बोला मैं अभी अकेला चला जाता हूँ। ऐसे ही एक आधा जो है हम लोग राउंड छोटा सा जो है बाइक में वो मार लेते हैं। ओके, तो ये बात जो भी मैं करने वाला वो जामनगर के, अरे भाई ये देखो रॉन्ग साइड, कोई बात नहीं। तो ये जो बात अभी मैं आपको करने जा रहा हूँ गाइस, ये मेरे बाहर के सब्सक्राइबर की, देखो भाई जामनगर एक बहुत छोटा सा सिटी है, इधर कुछ खास करने को रहता है नहीं, इधर ट्रैफिक भी एकदम ना के बराबर होता है, एकदम लाइक, तो यू नो लाइक यू कैन स्ट्रोल अराउंड वेरी क्विकली। एंड यू नो सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है जैसे कि आपको बोल रहा था कि वहाँ होती है कि जामनगर से जो जामनगर सिटी है वो एकदम लास्ट में आता है। तो जैसे कि हम लोग अभी अहमदाबाद चले गए, तो उधर से जयपुर और दिल्ली ये सब बाजू बाजू में, तो वी लाइक वी कैन गो देयर वेरी वेरी इजीली, बट जामनगर से वी कैन वी हैव टू गो फर्स्ट राजकोट, देन अहमदाबाद, देन एवरी अदर सिटी। तो थोड़ा सा जो दूर पड़ जाता है उसमें जो है वो थोड़ी सी जो है वो आलस आ जाती है, बट उसमें एक अलग ही मज़ा है यू नो। जैसे कि आप देख रहे हो इधर जो मोबाइल होल्डर है वो मैं इधर डालने वाला था, जो कि इनसी क्रेडल उसको बोलते हैं, वो बीएमडब्ल्यू वाले ही देते हैं, बट वो मैंने बिकॉज इट वॉज लिटिल बिट ऑन द एक्सपेंसिव साइड, बट आई थॉट ये डालने से अभी ये टेम्पररी है, इसका काम चल जाएगा। और संडे को तो है यू कैन सी अलग ही रोशनी होती है जामनगर में, ऐसा मैं देखता नहीं हूँ, ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा होता है जामनगर में संडे के दिन। तो गैस आपको याद है मैंने आपको बहुत टाइम पहले बोला था कि मेरा जो हेलमेट का जो वाइज़र है वो ब्लैक है, मींस पूरा ब्लैक है, जो मेरे को रात को देखने में वो तकलीफ थोड़ी सी पड़ती है। तो फाइनली वो वाइज़र है वो आ गया है, तो अभी हम उसको जाएंगे कलेक्ट करने के लिए। उसका मेरे को फ़ोन आया कि आप जो है इधर से कलेक्ट कर सकते हो, जहाँ पर मैं रुका वहीं पर है वो। ओके, ये रहा, इधर ही है, अच्छा है। ओके, तो फाइनली वाइज़र है वो आ चुका है, एंड अब जो है वो प्रॉब्लम नहीं है कि मैं कैसे ले जाऊंगा उसको। मैंने बोला है उनको बाइक को कि एक जो पेपर बैग है वो दे दीजिए ताकि मैं घर तक जो है वो लेके जाऊं, एंड फाइनली मैं जो है वाइज़र चेंज कर सकूं एंड रात को जो है वो प्रॉब्लम ना हो। ओके ओके, थैंक यू। तो गाइस यू कैन सी फाइनली मेरे LS2 का हेलमेट का जो वाइज़र है वो आप अभी से ही देख लो ताकि मेरे को बाद में क्या अनबॉक्स करनी ना पड़े, एंड देख लो ना, डन।
और गाइस आप लोग ऐसा मत समझना कि मैं रॉन्ग साइड से आया हूँ, एज यू कैन सी राइट, इधर से जो जाने का रास्ता है वो इधर ही थी, इधर ही खड़ा था, तो अभी गुजरने का जो है वो मतलब नहीं था इतना घूम के। तो अभी सोच रहा हूँ कि मैं ये इस घर पे रखूँ या ना रखूँ, तो पहले हम लोग ये घर पे रखेंगे एंड देन वी विल मेक अ गुड स्ट्रॉल अराउंड द सिटी। ओ भाई साहब, तो गाइस जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि आप चलाओ बाइक, रिस्पॉन्सिबल भी चलाओ, कार भी चलाओ तो भी रिस्पॉन्सिबल चलाओ। इधर जो है एग्जैक्टली इधर जो है वो मेरी कार पार्क थी एंड उधर से जो है वो मैं देख रहा था एंड जल्दी से मैं नीचे उतरा एंड मैंने उसको बोला, जब वो आपको मैंने स्टोरी तो है वो आपको बोल दी है, वो आपको आई थिंक बोलने की ज़रूरत नहीं है स्टोरी। अभी जो है थोड़ा बहुत मैं सिटी में स्ट्रोल करूँगा बिकॉज ये टाइम पे जो है मैं टी शर्ट पहन के निकला हुआ, तो सोचो वेदर जो है कितना प्लेजेंट होगा। ये वो टाइम है जब है ना ठंडी आने वाली होती है, जाने वाली होती है उधर भी, तभी भी सेम वेदर जो है वो होता है। तो मेरे को जो मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप है वो एकदम क्विक वाला करना है बिकॉज यू नो मैं जब भी अगर राइड पे निकलूँ, बिकॉज मैंने जो मेरे वायरिंग है पूरी माइक की एंड पूरी ये पैडिंग से वो पूरी कर दी है एंड जब भी मैं निकलूँ कभी राइड पे तो मैं यूँ ऐसा फटाफट जो है वो मैं निकल सकूँ एंड यू नो ऐसा टाइम वेस्ट ना हो। एंड अभी जो है वो एकदम परफेक्टली जो है वो मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप वो एकदम कम्प्लीट हो गया है। कमेंट डाउन बिलो अगर आपको कोई भी डाउट हो या मेरा मोटो व्लॉगिंग एकदम जानना हो तो कमेंट डाउन बिलो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि संडे को जो है वो रश जो है वो थोड़ा जामनगर में बढ़ जाता है एंड अभी जो है वो लास्ट दिन है विंटर के, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं बिकॉज फिर तो है वो गर्मी आने वाली है। देखो भाई रेस ड्राइविंग जो है वो हर जगह पे जो है वो होती है, बट आप जितना रिस्पॉन्सिबली चलाओगे उतना जो है आपके जो बचने के चांसेस वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि खड़ी खड़ी मेरा कुछ मिस्टेक भी नहीं थी तो भी ऐसा हो गया। मैंने उसको जैसे कि बोला आपको छोड़ दिया मैंने उसको, क्योंकि अभी ज़्यादा मेरे को उसका जो है वो प्रॉब्लम करनी नहीं थी, मेरा भी टाइम वेस्ट होता बिकॉज मेरी एक्सरसाइज भी बाकी रह जाती एंड मैं काम पर भी है वो जा नहीं सकता। यू कैन सी इधर जो है सब लोग खाना पीना कर रहे हैं। मेरे को जो अभी इतना हो रहा है मन कि ये मेरा एक्चुअली मेरा प्लान था कि मैं निकलूँ राइड के लिए, बट मेरा जो है वो अभी एज यू नो कि थोड़ा जो काम वाम है वो सब ख़त्म करने का है मेरा एंड बट अपनी जो बर्थडे की राइड होने वाली, मेरा बर्थडे जो है वो आएगा उसके उससे पहले एक राइड तो है वो होगी ही होगी वो फॉर श्योर है। तो आई थिंक अभी जो है वो भी मैं घर जाऊँगा एंड थोड़ा बहुत फ्रेश होऊँगा एंड डिनर लूँगा एंड ये व्लॉग जो है वो रेंडर करूँगा। मेरे को जो BMW के पार्ट्स जो है वो भी मंगवाने के धीरे धीरे बिकॉज ये बाइक का भी जो तामझाम है वो मेरे को करने का है बिकॉज इसमें जो थोड़ा इंजन गार्ड है, क्रैश गार्ड है और ये सब जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो ये बाइक को जो प्रोटेक्ट करती है। एडवेंचर स्पोर्ट्स बाइक में तो क्या है इतनी कुछ ज़रूरत पड़ती है नहीं, एडवेंचर बाइक के लिए यू हैव टू टेक अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा केयर यू नो, क्योंकि ऑब्वियसली अभी बाइक दिस अल्फा इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट यू नो, लाइक वेरी वेरी क्लोज। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट सो एवर रीजन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। सी यू ऑन अनदर ब्लॉग, स्टे सेफ।